तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी नेटवर्क चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुंजा फिल्म का 28 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आज ये फिल्म अपना 29वें दिन कितना कलेक्शन करने वाली है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों बात करेंगे आज रिलीज हुई किल मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुंजा फिल्म को 7 जून को रिलीज किया गया था। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में हमें अभय वर्मा, शर्वरी, मोना सिंह जैसे एक्टर देखने को मिलते हैं। फिल्म को 30 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था। ये फिल्म पब्लिक को काफ़ी पसंद आई थी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन की, दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपया कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 35 करोड़ 30 लाख रुपया कलेक्शन किया था और अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 32 करोड़ 65 लाख रुपया कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने 28वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपया कलेक्शन किया है। फिल्म के 28 दिनों का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 97 करोड़ 1 लाख रुपये का हो चुका है और 28 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 118 करोड़ 85 लाख रुपये का हो चुका है। आज इस फिल्म का 29वां दिन है और आज ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 30 से 40 लाख रुपये का कलेक्शन कर सकती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्शन थ्रिलर फिल्म किल मूवी के बारे में। तो इस फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म को निखिल भट्ट ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में हमें ऐसा किलिंग एक्शन दिखाया गया है कि इस फिल्म को ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म में हमें लक्ष्य राघव जोयल जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलते हैं। फिल्म को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म को 10 से 20 करोड़ के बजट में बनाया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल बजट रिवील नहीं किया गया है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन की, तो ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच में कलेक्शन करने वाली है। देखा जाए तो ये फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है। दोस्तों क्या आपने ये फिल्म देखी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दीजिए।